हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम पिट्ठा नए तरीके से बनाएंगे। यह बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और यह भाप में पकाया जाता है तो यह काफ़ी हेल्दी भी होता है। पिट्ठे की स्टफिंग हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, नारियल से, हरे मटर से या फिर चने की दाल से। आज जो हम पिट्ठा बनाएंगे इसे हम हरे मटर से स्टफिंग करेंगे। पैन में हम 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे हम मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जीरा अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें हरा मटर डालेंगे। मटर के साथ साथ हम स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हीट को हम मीडियम ही रखेंगे और मटर के सॉफ्ट होने तक इसे हम पका लेंगे। लाल मिर्च पाउडर की जगह आप बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और हम हीट को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम पैन में 1.5 कप पानी डालकर इसे हम बॉईल करेंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम हीट को लो कर देंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हीट को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप चावल का आटा डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और हम ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट होने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। चावल का आटा अभी भी गर्म है, हाथ में हल्का सा तेल लगाकर इसे हम मसल कर चिकना कर लेंगे। यहाँ मैंने नारियल के पाउडर में स्वाद के अनुसार चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर स्टफिंग बनाया है, ऐसे भी आप स्टफिंग कर सकते हैं। अब हम पिट्ठा तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा डो को हाथ में लेकर इसे हम गोल करेंगे इस तरह से। अब हम इसे हल्का सा फैला लेंगे और इसके बीच में हम थोड़ा सा स्टफिंग रख कर दोनों भाग को हल्का सा इसे चिपका लेंगे। हल्का सा दबा देंगे जिससे कि स्टफिंग जो है अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी बचे डो से पिट्ठा तैयार करेंगे। पिट्ठे को स्टीम करने के लिए मैंने इडली का बर्तन लिया है, इसके जगह आप कढ़ाई या फिर कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं। पिट्ठे को अब हम स्टीम करेंगे। इसके लिए इडली के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम बॉयल करेंगे। इडली के प्लेट्स में हम हल्का सा तेल लगा देंगे और इसके ऊपर हम पिट्ठे को रखेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 15 मिनट के लिए हाई हीट पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जिस तरह से हम इडली बनाते हैं सेम वैसे ही इसे भी पकाना है। 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम हीट को ऑफ कर देंगे। हमारा पिट्ठा जो है अच्छे से पक गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा टेस्टी मटर के पिट्ठे तैयार हैं। आप भी इस तरीके से एक बार पिट्ठा बनाइए और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको यह मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और भी नई रेसिपी के लिए नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।